देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हमला, उन्होंने कहा सीधे सीधे यहां पर बोला कि संसदन में प्रधानमंत्री की आवाज दबाई गई, सदन में लोकतंत्र का गला घोटा गया, लोकमत की आवाज दबाने की कोशिश की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि नकारात्मक राजनीति की वजह से संसद का समय बर्बाद हुआ है, कई ऐसे सांसद हैं जिनको काम करने का मौका तक नहीं मिला है, अब दल के लिए नहीं देश के लिए लड़े सांसद, अब राजनीति का नहीं काम करने का समय है। हंगामे की वजह से कई सांसदों को काम करने का मौका नहीं मिला। बता दें आपको कि नई सरकार बनने के बाद जो पिछला सेशन था जो करीब 6 से 7 दिन तक चला था, राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत हुई थी, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। प्रधानमंत्री ने उसी को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही। आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया। मैं सभी दलों से आग्रह पूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है और महामहिम श्री गुएन फू टोंग के निधन पर वियतनाम की सरकार, समाजवादी गणराज्य के नेतृत्व तथा वहां की मित्र जनता के प्रति प्रेजेंटेड इंडिया एज पार्ट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द वर्ल्ड समिट ऑफ द कमिटी ऑफ द फ्यूचर ऑफ यूरुगे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन घाना एंड इन द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एट जिनेवा। एन एविड फिल्म लवर श्री निरंजन रेड्डी इज क्रेडिटेड विद द स्क्रीन प्ले फॉर गाजी 2017 विच वन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु। हिज पैशन ऑल्सो एक्सटेंड्स टू कंजर्वेशन ऑफ आर्ट। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल से माननीय सदस्य, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर 15 दिसंबर 1963 को पहला केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोला गया देश के अंदर, उसके बाद आज तक देश के अंदर करीब 1253 स्कूल खोले गए हैं। बीते हुए 5 सालों की अगर मंत्री महोदय के जवाब के अनुसार बात करूं तो 48 स्कूल नए खुले, जिसमें से राजस्थान प्रदेश को मात्र 2 स्कूल मिले हैं। जिस स्पीड से स्कूल पिछले 56 साल में खुले, करीब करीब और सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अनूप और सुजाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता, आपके पास आना चाहेंगे। सुजाता, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा संदेश यहां पर विपक्ष पर करारा वार किया है। विपक्ष के क्या क्या एजेंडे हो सकते हैं, जिसमें जिस तरीके से पीएम ने बोला है साफ साफ ये भी नजर आता है कि विपक्ष अपना एक एजेंडा ये भी रखता है कि सदन को नहीं चलने देना। बिल्कुल, देखिए धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जब प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा था, दोनों ही सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। एक मिनट भी ऐसा नहीं गया जब जो विपक्ष था वो शांति से प्रधानमंत्री की बात सुन रहा हो। प्रधानमंत्री का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें अगले 5 सालों में सरकार क्या करने वाली है दिशा निर्देश होते हैं। अगर विपक्ष उसे ध्यान से सुनता तो हो सकता है कि वो सही मायने में सरकार को क्रिटिसाइज भी कर सकता था, अगर वो सुनता कि विजन क्या है। लेकिन विपक्ष ने अदरवाइज चुना, लगातार
लगातार हंगामा करता रहा और उसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया है जब वो छोटा सत्र था। अब देखिए बजट सत्र है, बजट सत्र से पहले ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। विपक्ष ने जो है पहले से ही कहा है, एडजॉर्नमेंट मोशन की बात कही है। इस बीच नीट को लेकर, कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट को लेकर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष तैयार है, जबकि तैयारी होनी चाहिए कि वो सरकार से क्या चाहती है। जनता के मुद्दे अगर उठाने हैं तो फिर आप महंगाई पर, बेरोजगारी पर सरकार क्या करने वाली है, आप सरकार से ये पूछिए, सरकार से इस मुद्दे पर बात कीजिए, दबाव डालिए कि नए बजट में इस बजट में प्रस्ताव दिया जाए। मिडिल क्लास पर जो बोझ है महंगाई का और साथ ही टैक्स का, क्या उसे कम करने के लिए सरकार कुछ करेगी। जो इन्वेस्टमेंट पर जो छूट मिलती है ATC पर, क्या उस पर छूट बढ़ाई जाएगी। तमाम अहम मुद्दे हैं जो जनता का सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो क्या विपक्ष उसे नहीं उठाना चाहता या विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है ताकि सरकार जवाब नहीं दे पाए। क्योंकि जब सदन चलता है तभी आप सरकार से कोई सवाल पूछ सकते हैं और सरकार को घेर सकते हैं, जवाब देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अगर आप सत्र चलने ही नहीं देंगे तो ना आप सवाल पूछेंगे, ना सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ना जनता को पता चलेगा कि सरकार उनके लिए क्या करने वाली है। तो दोनों को मिलकर सरकार चलाना होगा, जनता का भला इसी में है। फिर एक बार प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि 140 करोड़ जनता ने जिसको चुना उस प्रधानमंत्री का गला दबाया गया। ठीक है सुजाता, वापस लौटेंगे आपके पास। अनूप भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, कल जिस तरह से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और ये कोशिश की गई थी कि सदन अच्छे से चल सके, प्रधानमंत्री ने भी आज उसी बात का जिक्र किया है, लेकिन कल तेवर विपक्ष ने अपने दिखा दिए थे, फिर चाहे वो नेम प्लेट का मामला हो या फिर सत्ता पक्ष में ही है JDU, विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दी उन्होंने। देखिए एक बात तो आप मान के चलिए कि विपक्ष के तेवर कल ही नहीं बहुत पहले ही नजर आ गए थे कि इस बार भी अगर सत्र होगा तो विपक्ष इतनी शांत या सौम्य तरीके से नहीं बैठेगा, और आज वही तस्वीर सामने आई। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही, कोशिश की थी विपक्ष को आईना दिखाने की, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो नए चुनकर आए, जिनको जनता ने, देश की जनता ने, वहां के क्षेत्र की जनता ने अपने काम के लिए भेजा, अपने विकास के लिए भेजा, लेकिन यहां पर वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है अगर ऐसे ही सदन में बहस हंगामा होता रहा तो देश विकास की गति पर किस ओर जा रहा है शायद जनता को भी नहीं पता चल पाएगा। तो अगर देश को विकास की गति पर ले जाना है तो विपक्ष को थोड़ा संयम रखना होगा, सही जगह की तलाश करनी होगी, सही जगह पर अपनी बात रखनी होगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री का अभिभाषण एक तरफ हो रहा था और दूसरी तरफ विपक्ष देखिए हंगामा कर रहा था, और अभी भी सदन, दोनों सदनों की बात करें तो दोनों सदनों में विपक्ष के लोग जो हैं कहीं ना कहीं शोर शराबा करते नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे नीट पेपर लीक का मामला हो, रेलवे सुरक्षा का मामला हो, या फिर दूसरे जो कांवड़ यात्रा को लेकर नेम प्लेट का मामला उत्तर प्रदेश में आया उसे लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयारी करके बैठा है। इन मामलों को लेकर वो चर्चा की मांग भी कर रहा है, कार्यस्थगन का प्रस्ताव भी दिया गया मनीष तिवारी की तरफ से, गौरव गोगोई की तरफ से। और ये तय मानिए कि ये जो सत्र है 12 अगस्त तक जो सत्र चलने वाला काफी हंगामे लोकतंत्र का गला घोटा गया, यह भी कहा है उन्होंने, कहा लोकमंत्र की आवाज दबाने की कोशिश की गई। आइए सुनते हैं। पार्लियामेंट के नए